एक अधूरी कहानी की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह तैयारी होगी सर? 10th एपिसोड कम्प्लीट हो चुका है, 11th एपिसोड है। 10 कम्प्लीट हो चुका था सर, अभी जो एपिसोड का शूटिंग है जो 2 दिन में और खत्म होगा, उसके आगे और भी एपिसोड है, 52 एपिसोड है और कास्टिंग भी आगे चल रही है। तो सर के वही चेहरे फिर देखने मिलेंगे जो 10 एपिसोड में दिखे, या फिर नए चेहरे को आप चार्ज देना चाहेंगे? नए चेहरे भी रहेंगे और पुराने भी रहेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं सीरियल से? अली भाई के साथ जुड़े हुआ हम दोनों का तजुर्बा, हम दोनों की तालमेल बहुत अच्छी रही है, उससे न्यूकमर्स भी ग्रूम होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है उनको आगे बढ़ने से। सर जो सीरियल है उसकी इतनी सक्सेस के बाद क्या कहना चाहेंगे सर, इतनी सक्सेस है, 10वां एपिसोड चल रहा है अभी? ये ना हॉरर है बट ऐसा कोई गंदा भूत भूत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, कहानी चल रही है, बाकी का कैसा है जब आप लोग देखेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा, और जल्दी रिलीज होने वाला है, तैयारी चल रही है। सर एक रूम में शूटिंग होती है, रूम में शूटिंग होती है, कितना मुश्किल है या कितना आसान होता है? नहीं है, ये एक फ्लैट है, पूरा फ्लैट है। हाँ, 2 BHK का फ्लैट है, और मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि एक ही जगह पर 10 घर दिखा देता हूँ, गरीब का भी अमीर का भी। तो सर ये कब तक आएगा जो एपिसोड, ये कब देखने मिलेगा हमें? बहुत जल्द देखने मिलेगा, नेक्स्ट मंथ से आपको देखने मिलेगा। सर ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं हमारे से? मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहूँगा कि मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और अगर हमारे साथ काम करना तो बिल्कुल जुड़िए। थैंक यू सर। मैं क्या किरदार है आपका, उस बारे में बताइए। मेरा नाम आरिफ मुनीर अंसारी और मैं ज्वेलरी से बिलोंग करता हूँ, और ये सीरियल में मेरा अनुषा किरदार है। तो क्या कैसा लग रहा है किरदार करते हुए, कितनी मुश्किल आई आपको किरदार में? मुश्किल तो कुछ नहीं आई, क्योंकि हमारे साथ सर है, और सर जहाँ रहते वहाँ मुश्किल नहीं रहती है, हमें बहुत प्यार से समझाते और सिखाते हैं। आप क्या चाहेंगे, आपका क्या किरदार है, आपके बारे में बताइए। मेरा नाम सुधीर पटेल है, मेरा किरदार जावेद का है, और उनसे पहले भी मैं जुड़ चुका हूँ, और अच्छा सिखाते भी अच्छा है, और कैरेक्टर मेरा प्रैक्टिस करना होगी। कितनी कठिनाई आई इस करने में इस एक्ट को? नहीं तो नॉर्मल आती है, जैसे आती है, जैसे नए नए एक्ट्रेस है कोई तुम्हारे तो है नहीं। अब आ जाएंगे। मेरा नाम अविनाश सुरवाड़े, मैं घाटकोपर से हूँ, मैं मोहित का कैरेक्टर निभा रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो सर कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा करूँ। सर से कैसे जुड़े आप, अली सर से? और सर के बारे में कहना चाहेंगे, सर किस तरह से डायरेक्शन है? सर सर तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप कहना चाहेंगे सर के बारे में, अली सर के बारे में, जिस तरह से उनका इनिशिएटिव? वो 2 साल या 3 साल हो गए जुड़े हुए, और अली सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं, मेरे ख्याल से तो इससे ऐसा सर मिलेगा नहीं कहीं, जो गलती करते हो भी बताते हैं, हर एक चीज़ सिखाते हैं। आपका किस तरह से आपको रोल मिला? मेरा नाम सुरेश जाधव है, मैं ठाणे से रहा हूँ। एक अधूरी कहानी में मेरा राधेश्याम का रोल है, और दूसरी बात ये है कि जो भी मेरे को रोल मिला है, वाली सर के साथ पहले भी तो मैंने काम किया था, वाली के साथ सर के साथ, और अभी जो आप बता रहे हैं वो जो रोल है वो इमोशनल, और जो भी है फैमिली को ले, वो फैमिली की जो कंडीशन रहता है उसमें जो भी क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में वो जो रोल है मेरा राधेश्याम का। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे, आपके बारे में बताइए पहले, और इस कैरेक्टर में क्या है उसके बारे में बताइए, आपके कैरेक्टर के बारे में। इसमें सर मुझे वॉचमैन का रोल दिए हैं, इसमें वही मेरा कैरेक्टर है। अच्छा आपके बारे में बताइए, आपका क्या नाम है, किस है जुड़े सर से? मेरा नाम अखिलेश है, सर से मेरा पहचान ढेर दिन से है। थैंक यू। आप आए हैं जाएंगे? मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं नायगांव से बिलोंग करता हूँ, और इस सीरियल में मेरा एक ब्रोकर का रोल है। तो सर से आप बहुत सारे जुड़े हुए, तो सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या खास बात है सर में? एक हो तो बताएं सर, तो खास ही बात है, मतलब सर के साथ काम करने बहुत मज़ा आता है, और सर का समझाने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, सर एक पेरेंट्स की तरह मतलब गाइड करते हैं हमको। सर आपसे जानना चाहूँगा जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, जो भी जिनको एक्टिंग करना है, जिनको एक्टिंग क्लासेस जाना है, जिसको एक्टर बनना है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे जुड़ने के लिए? उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर मीन उम्र को अगर वो चांस देते हैं साहब तो वो सबके बेस्ट है, और वैसे देखा जाएगा तो अपने जो अली साहब है वो सबको संभाल के लेता है, सबके जो भी कुछ
थोड़ा उनका प्रॉब्लम है वो बता देता कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसा, इससे वो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और जो न्यू कमर्स एक्टिव भी आते हैं उसके लिए भी अच्छा लगता है और खुशी मिलती है। थैंक यू। अपने बारे में बताइए और इस सीरियल में क्या किरदार है आपका और ये रोल कैसे मिला वो बताइए। मेरा नाम जहान आरा है, मैं वापी गुजरात से हूँ। मेरा अधूरी कहानी सीरियल में फातिमा का रोल मिला है और अली सर ने दिए हैं। अब आ जाएंगे आप छोटी उम्र में कलाकार बनी हैं। मेरा नाम कशिश है, कशिश भालेराव। मैं बेलापुर में मुझे इंस्टाग्राम पे अली सर का मतलब आईडी मिला था, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तभी मुझे सिलेक्ट हुई, तभी अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ अधूरी कहानी सीरियल। मेरा रोल है अंजुम। तो सर से आज पहली बार मिले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सीरियल में काम करके। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत शुक्रिया क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे ऐसे पढ़ने का सहारा दिया, मुझे बड़े होके बहुत बड़े एक्टर बनना है। अब आ जाएंगे। मेरा नाम फ्लोरा है, मुझे एक अधूरी कहानी सीरियल में सनी का रोल मिला है एज अ पे गेस्ट और मुझे ये रोल अली सर ने दिया है एज अ कैरेक्टर के लिए उनके हेल्प से। उसके पहले भी कुछ किया है आप लोग ने कि ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम, ये एक्टिंग के लिए फर्स्ट टाइम है, इसके पहले मॉडलिंग। थैंक यू। किरदार है सीरियल में उस बारे में बताइए, किस तरह से आपको ये रोल मिला उस बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रणवीर सरकार है। मैं इस एक अधूरी कहानी में कुसुम का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि नानी है और काफ़ी अच्छी है, स्टोरी काफ़ी अच्छी है। हमें कास्ट सपना जी और अली सर ने किया हुआ है तो हम उनके यहाँ से भी हफ पे आए हुए हैं और हमने काफ़ी सीरियल, कॉमेडी सीरियल, सॉन्ग किए हुए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे काम करके? काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, मस्ती मजाक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिट के साथ काम करके मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। दीपाली जी, आप इतने दिनों से जुड़ी हुई हैं, फर्स्ट एपिसोड से लेके आज 10वां एपिसोड चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 12वां एपिसोड, सॉरी, हमने ऑलरेडी ना 10 एपिसोड कंप्लीट कर दिए। या एंजॉय भी बहुत चल रहा है, बच्चे सीख भी रहे हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये जो भी कास्ट के साथ काम करके, अली सर के साथ काम करके? अली सर के साथ तो काम करके काफ़ी अच्छा भी लगता है, हर बच्चों को भी अच्छा लगता है। फिर आप लोग कब करेंगे? आप कब रहेंगे? सो मैं, हाय मेरा नाम साक्षी है। तो मैं तो बस जस्ट शूट देखने आई थी कि कैसा होता है क्या होता है, बट मैं जैसे आई मुझे सर ने एकदम से काम थमा दिया कि नहीं तुझे ये करना है तू कर। सो मतलब मेरा ऐसा था नहीं पहले, मैं अभी तक शॉर्ट फिल्म छोटी मोटी की हूँ, बट यहाँ पे आके मुझे सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। मुझे कई सारी नई नई चीज़ों के बारे में समझ में आ रहा है कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं। तो इवन इफ यहाँ के जो मतलब एडी है वो भी बहुत प्यारे हैं, डायरेक्टर भी बहुत प्यारे हैं, सो मतलब सबका नेचर जो है बहुत अच्छा है, सब सिखाते, बहुत कॉपरेट यूनिट है। तो आपका कैरेक्टर क्या है इसमें? सो मैं एडी ही हूँ, मतलब आज ही आई हूँ और आज ही मुझे काम मिला, ऐसा हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट मैं वेब सीरीज कर रही हूँ यहाँ पे सर के साथ। आप कहीं जाएंगे, अपने बारे में बताइए। और मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, त्रिशा नाम है मेरा। मैं जो लास्ट एपिसोड हुआ था हमारा उसमें भी थी और सबका मेकअप मैंने किया था। तो अभी तो मुझे पता है कि मुझे ये ऑफिस कभी नहीं छोड़ना है और मैं इन लोगों के साथ में लॉन्ग टाइम काम करना चाहती हूँ, इतना मुझे पता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी। थैंक यू। लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं तो क्या करना चाहेंगे, इतने यंग लोग को आप चांस दे रहे हैं? भाई यंग भी जुड़े हैं, बुढ़े भी जुड़े हैं, बच्चे भी जुड़े हैं, आप यंग के ही पीछे क्यों जा रहे हैं? फिर भी यंग को चांस देना बहुत बड़ी बात है सर, जो भी यंगस्टर हैं उनका एक होप होता है ना सर, कुछ करना है उसको आप सारा कर रहे पूरा। मेरा काम है उनको समझाने का, बताने का, भाई आगे बढ़ो, अब वो डिपेंड उनके ऊपर भी, वो कितना आगे बढ़े। टीचर का काम होता है जितना उसका काम है वो करेगा, बाकी आगे स्टूडेंट के ऊपर भी है। तो आने वाले समय और क्या कुछ देखने मिलेगा आपकी तरफ से, क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं? मेरी एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है द डेंजरस क्लू, OTT पर रिलीज हो चुकी थी पहले, लेकिन अभी OTT पर होने जा रही है, बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगी। थैंक यू सर।